गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय मिंत्रा H&M होल वीडियो। अब H&M के स्टोर्स इंडिया में मेजरली सारे सिटीज में है, लेकिन सिर्फ सूरत में नहीं। आई डोंट नो व्हाई, इनफैक्ट अहमदाबाद में भी H&M का स्टोर है, बट इट्स ओके, अहमदाबाद में ज्यादा का स्टोर नहीं है तो अहमदाबाद के साथ मेरा हिसाब बराबर हो जाता है। सो आई वॉज रियली रियली हैप्पी जब मिंत्रा का H&M के साथ में कॉलोब्रेशन हुआ था, बिकॉज अब मुझे फाइनली अहमदाबाद या बॉम्बे विजिट नहीं करना पड़ता है, किसी स्टोर में विजिट नहीं करना है H&M की शॉपिंग करने के लिए। इनफैक्ट घर बैठे मेरी सारी चीजें डिलीवर हो जाती है। एंड रिसेंटली मैंने मिंत्रा से H&M ब्रांड के कुछ टॉप्स मंगवाए हैं, इंक्लूडिंग दिस टॉप ऑल्सो, एंड सारे टॉप्स की प्राइस रेंज अराउंड 350 टू 550 है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड बाय द वे गाइज, मुझे H&M ब्रांड की सबसे ज्यादा मोस्ट अमेजिंग बात ये लगती है कि वो सारी की सारी चीजें ऐसे पेपर बैग में डिलीवर करते हैं। इनफैक्ट अंदर भी इन लोगों ने जितने टॉप्स हैं वो सारे ऐसे पेपर रैप्ड हैं। सो इट्स रियली गुड फॉर आर एनवायरमेंट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जितना हो सके हम भी उतना ज्यादा पेपर बैग यूज करें और प्लास्टिक का यूसेज कम कर दें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये है H&M ब्रांड का फर्स्ट टॉप जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर दिया था। 100% वेस्कॉस्ट मटेरियल है इसका, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है इसके, एंड मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टॉप इतना ज्यादा क्रॉप आएगा, बट इट्स ओके। मैं इसे हाई वेस्ट जीन्स या फिर हाई वेस्ट स्कर्ट के साथ में पेयर अप करके बहुत इजिली पहन सकती हूँ। और इस टॉप की मोस्ट अमेजिंग बात इसका नेक पैटर्न है, वी शेप में इन लोगों ने यहाँ पे लेस की डिटेलिंग की है, इफ यू गाइज कैन सी, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है पहनने के बाद में। एंड मैंने मेरे साइज के अकॉर्डिंग एस साइज वेयर करती हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने एट साइज ऑर्डर दिया था, बट ये स्टिल थोड़ा सा लूज है यहाँ से, सो आई गेस मुझे अभी एक साइज और बिलो पहनना पड़ेगा। बट या ये टॉप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है पहनने के बाद में, काफी कंफर्टेबल है। एंड इसकी प्राइस समथिंग अराउंड 1300 रुपीज थी, बट मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट मिला और जिसके बाद मुझे ये टॉप 519 रुपीज में पड़ा। एंड नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉप कौन सा निकलता है। ओके, सो नेक्स्ट है ये ट्यूब टॉप, लेट्स सी ये टॉप कैसा लगता है। H&M ब्रांड का नेक्स्ट है ये ट्यूब टॉप, व्हाइट कलर का ये ट्यूब टॉप, 100% कॉटन मटेरियल है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैंने इसे किसी भी डिस्काउंट पे परचेज नहीं किया है, इसकी MRP रेट 399 थी और मैंने इसी प्राइस पे इसे परचेज किया है। एंड मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, रब्ड है एक्चुअली ये टॉप। एंड ऑल्सो इस टॉप की लेंथ रेगुलर टॉप जितनी है, सो इट्स रियली गुड, बहुत कन्वीनियंट है पहनने में। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, मैं जनरली एस साइज वेयर करती हूँ, लाइक यू नो अब तक तो पता चली गया आप लोगों को, बट ऐसे कोई टॉप होता है जो फुल बॉडी फिटेड होता है तो मैं उन सारे टॉप्स में एक साइज अपर साइज पहनना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो ये स्मॉल की जगह मैंने मीडियम साइज पहन रखा है अभी, एंड ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है मुझे अभी पहनने में। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉप कौन सा है। सो नेक्स्ट है ये टॉप, लेट्स ट्राई दिस टॉप गाइज। H&M का ये टॉप बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, 100% कॉटन मटेरियल है इसका। एंड आई गेस इससे पहले वाला जो मैंने टॉप पहना था उसके अंदर 5% इलास्टिन मिक्स था, बट एनीवेज ये टॉप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है पहनने के बाद में। रिप्ड है ये टॉप, इसके स्ट्रैप्स भी रिप्ड है, एंड इसका जो नेक पैटर्न है ये आई गेस ओवरलॉक्ड बोलते हैं समथिंग हमने। सो ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है पहनने के बाद में। इस टॉप की प्राइस 399 थी, बट मैंने इसे 360 में परचेज किया था, एंड एज यूजुअल मैंने इसे स्मॉल की जगह मीडियम साइज ऑर्डर किया था, बट आई गेस मैं अगर इसे स्मॉल ऑर्डर करती तो भी चल जाता, बट या इट्स अ गुड, लाइक वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं है, लाइक मेरा फर्स्ट जो टॉप था उससे वो बहुत ज्यादा क्रॉप था, उसके कंपेयर में ये टॉप सही है, लाइक आई कैन वेयर दिस टॉप। सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट दिस टॉप। सो नेक्स्ट है ये ब्लैक टॉप, H&M ब्रांड का नेक्स्ट ये ब्लैक टॉप, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस टॉप के स्ट्रैप्स जो है काफी ब्रॉड है, वरना जनरली ऐसे अगर टॉप्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्पेशली जिसके स्ट्रैप्स अगर पतले हो तो वो टॉप कम और इनर वेयर ज्यादा लगता है, बट इस टॉप के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉप की प्राइस कुछ 399 रुपीज थी और डिस्काउंट के बाद मैंने इसे 360 में परचेज किया था, एंड इस टॉप की लेंथ भी रेगुलर टॉप जितनी है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, मैंने इसे मेरे रेगुलर साइज एस में वेयर कर रखा है, आई मीन स्मॉल साइज मैंने पहन रखा है। एंड नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉप कौन सा है। सो नेक्स्ट है पीच कलर टॉप, लेट्स ट्राई दिस टॉप गाइज। ये टॉप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, अमेजिंग और बहुत ज्यादा अच्छा है इसका मटेरियल, नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट और काफी स्ट्रेचेबल है ये टॉप। सच में अब तक का ये H&M का बेस्ट टॉप है मेरे ये 5 टॉप्स में से, एंड ये पहनने के बाद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इसका मटेरियल भी 100%
नहीं, आई गेस 95% कॉटन है, 5% इलास्टिन है। इस टॉप के साथ में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये टॉप बहुत ज्यादा लंबा है। आप मेरे हाइट के तो आपके लिए ड्यूअल पर्पज सर्व करेगा, एज अ टॉप भी पहन सकते हो और एज ए ड्रेस भी पहन सकते हैं। सो या गाइस, ये था मेरा मिंत्रा H&M होल वीडियो और मैं सारे टॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट देयर। डू लेट मी नो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यू कैन मेंशन बिलो इन दी कमेंट। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी मी इन नेक्स्ट वीडियो।